कैसे बताओ? कोई कोई बात नहीं, बता दो ना, कोई मसला नहीं, मैं हल करता हूँ। कोई अगर परेशानी कोई है तो मुझे बताएंगे तो मैं हल कर पाऊंगा ना। आपको ले आए वहीं पर, इधर तो कोई ऐसी मजदूरी भी नहीं है ना, इधर कोई बैठने की जगह है, वहाँ जो उधर घर है ना बैठने की जगह भी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, माशाल्लाह से आपके दुआएं हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो हमारे चैनल को कल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो पूरी वॉच करें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो अभी करते हुए लोग स्टार्ट हमारे साथ रहे, चाहे चढ़ा दिया चूल्हे पे कसर सोच रही है, परेशान है कि पता नहीं यार चाय बनेगी या ऐसे ही उबलते रहेगी। नहीं नहीं, मैं ये चाय के बारे में सोच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो कल जो है चाह बन गई थी, अभी जो है नहीं बनी। आप क्यों हंस रहे हैं? कल बन गई थी, आज नहीं बनी, वो टाइम टाइम का फर्क होता है ना। कल मैं थोड़ा लेट आया था, आज मैं आपके पास जल्दी आ गया। आप आज जल्दी, आप परेशान क्यों हैं? टेंशन में दिखाई दे रही थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं जब मैं आया से ये खड़े हुए थे, आप बस सोचे जा रहे थे। जी कैसे बताऊं? कोई कोई बात नहीं, बता दो ना, कोई मसला नहीं, मैं हल करता हूँ। कोई अगर परेशानी कोई है तो मुझे बताएंगे तो मैं हल कर पाऊँगा ना। जी अम्मी और चाचू की परेशानी है, वो जहाँ बैठे थे ना तो वहाँ से उठा दिया और सड़क पे बैठे हैं। बहन भाई दुआ कर रहे हैं कि उसे जल्दी न्यू घर मिल जाए। आपके अम्मी और चाचू को क्यों उठा जाए, किसने? जो पहला घर दिखाया था ना, और दूसरा भी एक मकान दूसरों ने बनवा के दिया था, वो भी उठा दिया, और पहले घर वाले भी, और वो सारा सामान और खुद सारे सड़क पर बैठे हैं। तो बहन भैया मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दुआ करें कि उससे न्यू घर मिल जाए मेरे चाचू को। क्यों फसल वसल नहीं बेचते थे आपके चाचू? नहीं बीजते थे, जब अभी नहीं बीजा तो ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने उठा दिया। ऐसे फ्री तो कहीं नहीं बैठने देते ना। चले मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। बाकी सड़क पे बैठे हैं वो जी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। कौशर की अम्मी सड़क पे, ये तो बर्दाश्त से भी बाहर है। चले कुछ करते हैं, मैं मशवरा करता हूँ अबू से, फिर हो सकता है आपके अम्मी को भी यहीं बुलवा लें। ठीक है, मशवरा कर लूँ मैं। हाँ सेना जल्दी उठ गई, किसने उठा दिया? डेली तो सोए रहते थे 10 बजे तक। अम्मी आज इसको किसने उठाया? बस आप जाग हो गए, आप ही उठ गई। वो मैं दूर से रखा थे, जरी कुछ चोले पड़ते, इतनी अच्छी तो नहीं थी कि खुद ही उठ जाए आज। मस आज में आँख खोल दो गई है जल्दी। चले माशाल्लाह अगर उठ गई है तो, नहीं तो रोज पानी डाल के उठालना पड़ता था। चले आज मजे की वीडियो बनाएंगे परेशाना के साथ। चले आपको दो चोर निकाल लिया है अभी, एक कराएगी। चले माशाल्लाह निकाल ले फिर। हो गई ओ पाज गई मदनी, बकरी को पकड़ो। कमरान बहुत, कमरान आपको ही पकड़नी पड़ेगी। वो देखे अम्मी पीछे बाल्टी लेके और बकरी आगे। ओ पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली माशाल्लाह। अच्छा घास वगैरह डाल दिया था मवेशियों को? चलो वो ऐसे घूम फिर रहे हैं, मैंने समझे घास नहीं है मेरे ख्याल में। ये देखे जी सुबह सुबह का वक्त है, अभी सूरज जो है वो थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है, अभी रोशनी होगी। और बाकी जो है ऊपर मौसम की सूरत हाल बताएं तो रात काल जो है रिमझिम से बारिश आई है, बस ज़्यादा ख़ास नहीं आई, रिमझिम से आई थी कल हमारे शाम वाले ब्लॉग में। और अभी जो है अभी भी बिखरे बिखरे से बादल खड़े हैं, ये देखिए।
और बाकी आज मुझे मौसम थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। बहन भाइयों को पता, उनके शहर में पता नहीं कैसा मौसम है, हमारे शहर में तो थोड़ा आज साफ नज़र। उसके बाद रिमझिम के बाद इतनी गर्मी हुई कि नींद भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद आई है रात को 2-3 बजे, इतनी गर्मी। अभी तो हवा चल पड़ी है, खैर ये देखें हवा चल रही है अभी थोड़ी थोड़ी सी, और आज अल्लाह करे मौसम ठंडा हो जाए, प्यारा हो जाए। गर्मी में जीना मुश्किल हो जाता है ना। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, तबीयत क्या ठीक है? अम्मी आप चाय पी ले, अम्मी आपको बुला रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय ठंडी हो जाएगी। जगह पूरी कर लो, ये डेली आप ऐसे करती हैं, पता नहीं डेली रापा हो जाता है। हाँ जी, ये डेली जगह खराब हो जाती है। चलो अभी घास तो और नहीं डाला, घास डालूंगी फिर गांधा का दूध निकालूंगी। चलो ये पहले ना चाय पी ले, पहले काम चाय वाला है सुबह सुबह। हाँ जी, ले आई जी माशाल्लाह, अम्मी के लिए आई मेरी, आपके हाथ तो खाली है। मेरी मैं तो अपने देख रहा था, आपकी भी ले आती हूं। माशाल्लाह ये देखिए अम्मी जो है ये घास डाल रही है, दूध निकालना है जी। अभी तो यहाँ पड़ा है जी, अभी जो है ये सारा घास लेके आ रही है। ये बड़े मवेशियों को डालना है तो उसके बाद जो है ये दूध निकालेगी। ये अम्मी ये गांव को क्या हुआ? एक कोई एलर्जी वगैरह हो गई तो जख्म हो गया, तो इस पे मक्खियां पे तंग कर देना, उससे जल्द खराब हो गई। तो इसकी दवाई लेना? दवाई लेने दे खड़े हैं हम, कोई चुके हो जख्म जी। ये देखे बड़े बड़े जख्म हैं, वो सारी दवाई लगा देते हैं, वहाँ को जो जख्म छूटते होते हैं ठीक हो जाएगी। तो अभी दूध निकालना है? हाँ जी। तो माशाल्लाह जी ये देखिए दूध निकालने का टाइम हो गया है, अबू जो है ये बछड़ी खोल रहा है। तो ये देखें ये बछड़ी को बस इतना सा नहाने दिया है दूध, तंग कर दिए, दो बंदे हों तो जलील कर दिए। मक्खियाँ बहुत तंग करते हैं, हवा चलती नहीं, हवा होगा तो मक्खी घट होती है। इंशाल्लाह चलेगी, कल भी बहुत गर्मी थी, गर्मी आज भी होगी लगता है, सही है जी। अबू आप ऐसा करें ये दूध निकाल के ना, तो फिर हम घास पे चलते हैं, जल्दी जल्दी घास ले आते हैं, गर्मी हो जाएगी जी। कल भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। अच्छा गर्मी हो गई थी? हाँ जी। तो बस थोड़ा सा दूध निकाला है, अभी दूध निकाल रही है, जब दूध निकाल के आएगी जी। निकाल लिया दूध? हाँ जी। ऐसे किनारे किनारे साइड पे जा रहे थे, मैंने कहा पूछ लें, वो मैं अंदर जा रहे थे ना। दे दो यार दे दो, मैं तेरे को चाय दे दो यार, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? देखो ऐसे बैठी है जैसे तबियत बैठी हो, खरे तले तले थे क्या नहीं खरे थे तंग बदनी, यहाँ पर खरेत नहीं है चूल्हे में, चाय है। हाँ चाय बांट रही है, इधर देखें जी आग भी जलाई जा रही है, रोटी का काम स्टार्ट हो रहा है मशाला से। और ये रोटी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त माहौल लगता है सुबह सुबह रूटीन वाला, जब रोटी बनाते हैं भट्टी पे, खासकर मुझे यही जगह अच्छी लगती है, यही माहौल अच्छा लगता है रोटी वाला। किधर चले? खरियत आज बोला भी कुछ नहीं है, गुस्से हो गई, एक मिनट में खुश हो जाते हैं एक मिनट में गुस्से। चलें जाएं धो के, वो अम्मी देखे वो बाल्टी धो रही है। और मैं इधर की पोजीशन दिखा दूँ, इधर आटा रखा हुआ है, भाभी भी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह सर मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है। मसला से आपके मियाँ भी ठीक है? हाँ जी ठीक। मुझे तो आपके मियाँ की परेशानी रहती है,
बेचारों का काम नहीं लग रहा। हाँ वो कल पूछ रहा था कि अम्मी अबू क्या कहते हैं हमारे बारे में, अब वहाँ पर रहना भी हमें मुश्किल लग रहा है, ना कि खर्चा है ना कुछ, होटल का खाना खा खा के ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी। चले अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, मेरी सैलरी जब स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह घर बुला लेंगे। बस यही बोल दिया करे, जब भी फ़ोन कॉल आए तो उन्हें बोल दिया करे कि अभी सैलरी नहीं मिली, जब काम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह इरफान ने बोला है घर बुला लेंगे। हाँ जी वो भी यही बात कर रहे थे, लेकिन क्या करें अभी तो चैनल ही नहीं चल रहा, क्या करें। हाँ वीडियोस बिल्कुल डाउन हो गया, आपको मुल्क के हालात का तो पता है। हाँ मुल्क के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के सारे शहर डूब गए हैं सैलाब में, बारिशों में, तो लोग जो है वीडियो को शौक से नहीं देख रहे। हाँ लिहाजा आजकल वीडियोस जो है हमारे इतनी डाउन जा रही हैं कि क्या बताऊँ। चले खैर आप रोटी शोटी बना लें, वो आग ख़त्म हो रही है और लकड़ियाँ डालें। हाँ जी रगड़ रगड़ के धोएं इसको, रात को पता नहीं ज़्यादा मिट्टी लग जाती है, पता नहीं क्या होता है। नहीं ये बारिश की वजह से ना, ये देखिए ये सारी जंग है। ये जंग कैसे हुई है, तो नहीं लेती अभी अभी चले इसको रगड़ें धोएं, ये जंग तो नहीं उतरेगी। ये एक वो होता है काला तेल होता है, क्या होता है वो, जब लोहे पे मारते हैं तो फिर ये जंग जो है उतर जाती है। ये देखें जी लस्सी का सामान इकट्ठा हो रहा है और अम्मी पता नहीं कहाँ चले गई, ये मट्टी रख के मंदाने रख के कहाँ गई अम्मी, चूल्हे में कोई चीज़ लेने गई होंगी, चौकी लेने गई बैठने के लिए अपनी कुर्सी। अच्छा मैं पहले आ गया कि शायद लस्सी जल्दी बनेगी तो मैं पीऊँगा, कुर्सी पर बैठेगी फिर बनाएगी। हाँ जी आ गई ना, मैं खाली मट्टी को देख कर दौड़ा चलाया, मैं कल लस्सी बनी हुई है पी लें, बहुत ही शौक से पीते हैं लस्सी, बहुत ही। मेरा तो दिल करता है और कपाट चुने छुट्टी कर दे लस्सी भी। नहीं नहीं कल लस्सी की लस्सी की छुट्टी होगी ना, गर्मी बन जाती है लस्सी के, उठा करो और टाइम पे बना लिया करो। लस्सी की छुट्टी की तो घर में मतलब कि हम कोई रोटी वगैरह नहीं खाएंगे, नाश्ता भी नहीं करेंगे, लस्सी के अलावा नहीं होता ना नाश्ता। चलो जैसे भी बनती है थोड़ी बहुत ही बना कर तो जाया करें, वैसे भी आपने कौन सा तीर मारना है कपास पे जाके, वैसे भी 10-11 बजे जाएंगे आप, गर्मी हो जाती है ना इसलिए। हाँ तो ये कोई बात नहीं, 2-3 गिलास बना के हम रोटी खाते हैं ना, नाश्ता करते हैं लस्सी के साथ। चलो बना लेते हैं। चले बना ले, और वो दही समिया के लिए रखी है। हाँ जी चले समिया को उठाए पे नाश्ता वास्ता खिलाएं उसे भी, वीडियो में उसका आना ज़्यादा ख़ास है समिया और इसियाना का। हाँ जी क्योंकि ये चैनल भी उन्हीं का है और बहन भाई ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनकी वजह से, बच्चियों की वजह से। हाँ जी बन गया नाश्ता, अब खा रहे हो, कौन कौन खा रहा है? अच्छा और कौन खा रहा है? मुनीब और आप क्या खा रही हो? रोटी किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ खा रही हो, किस चीज़ के साथ, चाय के साथ? अच्छा गरम गरम नाश्ता, देखें जी सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता खा रही हो, सीधी होके बैठो, ये कैसे बैठ गई, सीधी होके नीचे बैठो, ऐसे हाँ अब ठीक है ऐसे रोटी खाया करो। हाँ मुनीब बाप सुनाओ दूध वगैरह कोई दे आया, कमरान दे के आया था, ओ माशाल्लाह। चले आज तो गया, आज तो लड़ाई शुरू नहीं हुई। चले आपको बकरियाँ से कौन से चाह रही हैं, आजकल तो ठंडा मौसम हो जाता है। चले माशाल्लाह फिर नाश्ता वगैरह करें फिर। हाँ जी मैंने उधर देखा कि वो बच्चे नाश्ता कर रहे थे गरम गरम रोटियों के साथ, इधर देखा तो मैंने कहा शायद गरम लग रही होंगी, लेकिन यहाँ तो रोटी की कोई नामो निशान ही नहीं है, रोटी बन ही नहीं रही। क्या आप बंदा बोले, उधर वो खा रहे हैं इधर तो एक रोटी भी नहीं बनी। फरिश्ते नहीं बनते, फरिश्ते खुदा ने बनाए थे, पर बस एक बार बनते हैं, बार बार फरिश्ते नहीं बनते। या तो रोटी, अच्छा रोटी तो बना लेते हैं, ऐसे खाली भट्टी चाड़ी हुई है, कोई एक आधी रोटी पका लेती, मुझे भी भूख लगी है। ओ नहीं 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 गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं,
फिर से गुस्सा है। वैसे मजाक कर रहा था, मुझे पता है मैं अंधा थोड़ी हूँ कि इतनी सी रोटियाँ बन गई हैं, फिर भी बोल रहा हूँ नहीं बनाई। गुस्सा ना किया करे, बस हंस दे हंस दे। इधर देखे तो हंसे, ओ हंस गई है हंस गई। चले रोटी छोटी बनाया। बहन भाई इंतजार में बैठे हैं कि कब वो घी मारे वाली रोटियाँ हमें मिलेंगी। ये देखें जी, समिया को भी नाश्ता दे दिया, माशाल्लाह समिया खा भी रही है। हाँ समिया खा रही हो, नाश्ता कर रही हो, उठ गई थी सुबह। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें जी ये रोटी और ये दही, इसका सुबह सुबह रूटीन है दही के साथ खाना खाना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा, तो सबसे पहले अपने समिया सिस्टर का इलाज करवाएंगे और इस्तियाना का भी। बहन भाई उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम समिया का बहुत जल्द इलाज करवा पाएंगे, है ना समिया? समिया रोटी खा रही हो, रोटी खा रही हो, चलो चलो खाओ खाओ। माशाल्लाह बाबू, वो आपसे मशवरा करना था कि कौशल की अम्मी और उसके चाचू जहाँ बैठे थे वहाँ पर उन्होंने ज़मीन वाले मालिक थे उन्होंने उठा दिया था। पहले आपको पता है दो कमरे थे वहाँ से तो उठा दिया था, और एक कमरा किसी और ने बनवा के दिया था, वो आप गए थे तो बहन भैया को दिखाया था, तो उससे भी अभी निकाल दिया गया, हमने सड़क पर ला के खड़ा कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उनका क्या किया जाए। यार मुझसे पहले भी बात हुई थी उनकी, वो कह रहे थे कि इस तरह वो बैठने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उनकी कोई फसल वगैरह तो नहीं भीगी हुई है। काम अपना करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से उठ जाओ। सोच रहे हैं कहाँ जाएं, अलीपुर जाएं, जरूरी जाएं, कहाँ जाएं। तो मैंने तुम्हारे चाचू को फ़ोन किया था, इधर आए हुए थे आपने, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे यही मशवरा किया था कि वो उनको ले आएँ वहीं पर, इधर तो कोई ऐसी मजदूरी भी नहीं है ना इधर कोई बैठने की जगह है, वहाँ जो उधर घर है ना बैठने की जगह भी है, रिहायश भी कर सकते हैं और कपास की चोनी भी शुरू हो रही है, तो वो उधर बैठे रहेंगे मजदूरी करके खाते रहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मशवरा करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो क्या कहते हैं। फिर उसके बाद तो कोई बात नहीं हुई, बोलते हैं आपसे एक बात हुई। अच्छा पहले मतलब इस बात का आपको जिक्र हुआ था? पहले वो बात की होती है आपका, पहले बात वो यही कह रहे थे कि वो कह रहे हैं यहाँ से उठो, हमने किसी और को बिठाना है। हाँ मुझे अभी अभी सुबह कल सुन बताया कि अम्मी मेरी जो है बेघर हो गई, सड़क पे आ चुके हैं, तो मैंने सोचा आप उससे मशवरा कर लें, वो देखते हैं क्या बोलते हैं। देखते हैं चाचू तेरे से बात करते हैं फ़ोन पे, वो क्या करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम कोई करेंगे, चलो उनको ऐसे तो नहीं करेंगे। तो ज़मीनें हैं जहाँ चाचू बैठे हैं, ज़मीनें तो बहुत, वो फसल भी उगा सकते हैं, वैसे पर वैसे पर उधर भी बेचते हैं, उधर भी आगे तो कमरे भी बने हुए हैं। कमरे तो ज़मीन मालिक देते हैं, मालिक के कमरे भी बने होते हैं, वो बैठे होते हैं जिस तरह चाचू तेरे बैठे हैं उसी तरह वो अभी आकर बैठ जाएंगे, वो ज़मीन भी बेचते रहेंगे इससे भी और रोटी करते रहेंगे अपनी। पहले आपको जिक्र है, ये तो अच्छी बात है आप खबर लेते रहते हैं। मुझे मेरा रास्ता होता रहता है, मेरी बात जो भी होती है मुझे पता होता है, क्योंकि मैंने पहले भी फ़ोन किया है तुम्हारे चाचू को, उनसे मशवरा किया है, बातचीत की है, तो उसने कहा कि मैं फ़ोन करके पता वो क्या कहते हैं। अभी आज फ़ोन करेंगे उन्हें, पता करेंगे भी उनका जो यही हाल है सोचा है उस बारे में। चले आज कल सके मैं से रबता, मैं भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आ जाए हमारे चाचू की शादी बैठे हो, जमीन भी होगा यहाँ। तुम्हारी पुपी से मेरी भी बात हुई, मैंने भी उसे यही मशवरा दिया था कि अगर अलीपुर जाएंगे जदोई जाएंगे उधर कोई अपना घर तो नहीं खड़ा है, किसके घर जाके बैठेंगे, ना कोई उधर मजदूरी कर सकते हैं ना कोई उधर ज़मीनें रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि इधर आ जाए, इधर भी मजदूरियाँ भी हैं, कपास की नहीं हो रही है, दो तीन महीने तक होती रहती है, आगे बेच सकेंगे, आगे ज़मीनें बहुत हैं ना, तो सब बीज के अपने मशवरा करना था। ओके जी,
कहते हैं जो लस्सी भी बन गई है माशाल्लाह से, मक्खन भी निकाल रही हैं अम्मी, इतना सा निकाल लिया। चले अच्छा, अभी ये मक्खन निकाल के ही हमें लस्सी मिलेगी। चले माशाल्लाह, तो आज के भी लोग कहते हैं मुकम्मल। जब बाहर अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना अता फरमाए, और जो बहन भाई मुश्किलात में अल्लाह पाक सब के मुश्किलात परेशानियां दूर करे, और जो बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उन सब के भी नसीब अच्छे करे, और उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ बार दें कि उनसे संभाले भी ना जाए। तो आज के ब्लॉग मुकम्मल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान पाक फौज, प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।